चलिए अब जरा वैक्सीनेशन की भी फटाफट से बात करते हैं और उसके बाद ब्रेक पे भी जाना है और मौसमी सुर्खियाल और कुछ लोग पूछ रहे हैं इस वक्त फ्लाइट को लेकर, चूंकि जमीनी और फिजाई ट्रांसपोर्ट मौसमियाती तब्दीली के बीच मुतासर हुआ है। लेकिन बात वैक्सीनेशन के प्रोग्राम की, सरकार की तरफ से कुछ आदादोशुमार दिए गए और जम्मू कश्मीर के साथ साथ मुल्क के बाकी हिस्सों में भी वैक्सीनेशन का बाकायदा आगाज हुआ है और यूनियन टेरिटरी के मुख्तलिफ अजला में 20 अजला में इंतजामिया की तरफ से कल वैक्सीनेशन ड्राइव का आगाज कर दिया गया। इस बीच तकरीबन 52,000 बच्चों ने, जिनकी उम्र 15 से 18 साल तक थी, जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में उन्होंने कोविड का पहला डोज जो वैक्सीन का है वो लिया है। सरकार के 27 दिसंबर के अनाउंसमेंट के बाद ये पहली पेशरफ्त थी, पहला दिन था। 52,000 के आसपास जो इस वक्त ओवरऑल बने हैं, लेकिन मुल्की सतह पर आप देखेंगे तो यही तादाद तकरीबन जो 15 से 18 साल तक के बच्चों की है वो पहले दिन जो रही सरकार के अदादोशुमार और मरकजी वजारत सेहत के वो 4.25 लाख तक गई है। इसमें 50,000 के करीब सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर रहे, जिन्होंने पूरी यूटी के तमाम अजला में एलजी इंतजामिया की तरफ से जब भी वैक्सीनेशन ड्राइव लॉन्च की गई तो तस्वीरें अलग अलग जगह की कल से आप देख रहे हैं। आज भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम आगे चलेगा। 822 सेंटर्स कल बताया गया कि कायम किए गए थे और 8,33,000 बच्चों को जम्मू कश्मीर में वैक्सीन लगनी है, जिनमें तकरीबन 52,000 पहले रोज कवर हो गए हैं। जम्मू के अंदर 29,784 बच्चों ने वैक्सीन ली और यही खुराक वादी कश्मीर में 22,905 बच्चों ने ली। आप पहले मरहले को देखेंगे जहां पर 44+ वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हुई थी तो उस वक्त काफी डर और खौफ का माहौल भी देखा गया था, यानी इंतजामिया अवेयर करने में थोड़ी सी नाकाम रही थी और इसलिए उसके नतीजे भी कोई पहले दिन सही नजर नहीं है। लेकिन उसके मुकाबले आप दूसरे फेज में जाएंगे तो कल दिलचस्पी दिखी, वालिदैन बच्चों के साथ नजर आए और बच्चों ने भी मुस्बत पैगाम कल सेंटर्स पर पहुंचने के बाद दिया। कुल मिलाकर 822 में से बेशतर स्कूलों के अंदर वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए गए थे और कल ही महकमा सेहत के आला हुकाम की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि गांव देहात तक सरमा के दौरान, चूंकि बर्फबारी का सिलसिला भी साथ साथ शुरू हुआ है, ऐसे में वैक्सीन हर इलाके में पहुंच पाए इसलिए मोबाइल वैक्सीनेशन का आगाज कर दिया जाएगा। एडिशनल जो सेक्रेटरी हैं महकमा हेल्थ के, उनकी तरफ से कल ये इसकी तस्दीक कर दी गई। और दूसरी बात, जिन एरियाज के अंदर वैक्सीनेशन कल हुई है यहां पर सिर्फ महकमा सेहत की कारकर्दगी बेहतर नहीं रही बल्कि एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी पूरा क्रेडिट देना होगा, जिसकी मदद से मुमकिन हो पाया है कि वैक्सीन तमाम इलाकों के अंदर बच्चों ने बिना डर और खौफ के लिए, क्योंकि सरमा के दौरान ट्यूशन क्लासेस लगनी है, सेंटर्स ओपन हुए हैं और ऐसे में एजुकेशन डिपार्टमेंट के ताबून के बिना शायद ये नामुमकिन सी बात थी कि जहां जम्मू से कश्मीर सूबे तक अखनूर, सांबा, कठुआ इन एरियाज में या कश्मीर के दूर दराज इलाकों में वैक्सीन हो पाती, कंसर्न्ड अथॉरिटीज यानी एजुकेशन डिपार्टमेंट ने भी बच्चों को इसके लिए तैयार किया और बहुत सारे एरियाज में सेहत के शोबे से ताल्लुक रखने वाले लोग भी काफी ज्यादा सरगर्म नजर आए। कश्मीर के अंदर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन के विवेक भारद्वाज की तरफ से एक सरकारी स्कूल से कोठीबाग श्रीनगर से इस मुहिम का आगाज किया और जम्मू के अंदर जहां पर शुरुआत लेफ्टिनेंट गवर्नर ने गांधीनगर से इस मुहिम की की और जम्मू सूबे के अंदर 8,713 बच्चों ने 15 से 18 साल तक जिनकी कुल मिलाकर उम्र जिनकी है उनको पहले वैक्सीनेशन के लिए जो यहां पर साइट्स पर पहुंचे थे और 160 ऐसे मकामात जहां पर वैक्सीन लग रही थी उधमपुर जिले के अंदर थे, राजौरी के अंदर भी 80 से ज्यादा और कुल मिलाकर 145 सेंटर्स पर 4,317 बच्चों ने कल वैक्सीन ली जम्मू जिले के अंदर। 160 साइट्स थी उधमपुर में, यहां पर भी एक बड़ी तादाद रही बच्चों की। इसी तरीके से 3,353 बच्चों ने राजौरी के अंदर, 2,277 बच्चों ने कठुआ जिले के अंदर, 600 से ज्यादा बच्चों ने पुंछ के अंदर, 2,176 बच्चों ने रामबन के अंदर और 4,200 से ज्यादा बच्चों ने 44 मकामात पर डोडा के अंदर वैक्सीन ली और 600 से ज्यादा बच्चों ने किश्तवाड़ के अंदर भी इसी तरीके से वैक्सीन ली और कश्मीर सूबे के अंदर भी 22,900+ बच्चों ने कल पहले रोज वैक्सीनेशन ड्राइव का हिस्सा बनकर इसका पहला डोज लिया।